हेलो और नमस्कार दोस्तों, सत्य भंजन टीम की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं सत्या। तो दोस्तों, हमारा रिसर्च चल रहा है मालिका के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा, मालिका यानी किताबों की मालाएं और भविष्य के ऊपर लिखी गई किताब यानी मालिका भविष्यवाणी। तो आज से 500 साल पहले पंच सखा यानी पांच महान संतों ने लिखे थे मालिका ग्रंथ। कोई एक दो ग्रंथ नहीं था, वो लाखों की संख्या में ग्रंथ थे। तो उन्होंने भूत, वर्तमान, भविष्य, योग, विज्ञान, आयुर्वेद, वनस्पति विज्ञान, आसमानी विज्ञान आदि, योग, शरीर तत्व, ऐसे सैकड़ों सब्जेक्ट पर, विषय पर उन्होंने लिखे हैं मालिका के ऊपर। और सबसे पॉपुलर है मालिका भविष्यवाणी, जो भविष्य में क्या क्या होगा, आने वाले समय में क्या क्या होगा, उसके बारे में भी लिखे हैं। तो आज हम जानेंगे मालिका भविष्यवाणी यानी चार धाम के ऊपर क्या क्या लिखा है, चार धाम से क्या क्या मिलने वाले संकट, खास करके चार धामों में से एक पुरी जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ धाम से हमें क्या मिलेगा संकेत, तो खास इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर श्री पुलिन भेरपंडा। आप सब कमेंट बॉक्स माध्यम के ओर से लिख रहे थे, आप मालिका रिसर्चर पुलिन भेरपंडा से एक बार मिलिए, हम सब उनसे सुनने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं। तो इंतजार की कड़ी हुई खत्म, सत्यवन चैनल का नया पहल आप देखिए हमारे इस हिंदी चैनल में। पुलिन बिहारी पंडा जी को आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो वीडियो चाहे जो भी है, हमारे दर्शक जो उड़ीसा के नहीं है, बाहर से बिलोंग्स करते हैं, तो वो लोग सुनना चाहते थे आपसे कि पंच सखाओं ने जो लिखे हैं मालिका ग्रंथ में और ख़ास करके चार धाम के ऊपर, तो इसके बारे में वीडियो चाहे कोई भी हो, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हम पुलिन पंडा जी से सुनना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। तो बताइए, चार धाम के ऊपर मालिका में क्या लिखा है और ख़ास करके पूरी जगन्नाथ धाम से जो आप बार बार मिल रहे हैं संकेत, उस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए। प्रभु जी का चार धाम जो है जी, बद्रीधाम, रामेश्वर धाम, द्वारका धाम और जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ धाम, ये चारों धाम चारों एज में, चारों युग में बनाया हुआ है। सत्य युग, तृतीय युग, द्वापर युग और कलि युग। चारों धाम में कुछ ऐसा घटना घटेगा जो संकेत दिया कि फ्यूचर में क्या आ रहा है, क्या हो, क्या होने वाला है जी। उसमें से पहला संकेत आएगा पुरी धाम, जगन्नाथ धाम में पहला संकेत आएगा, क्योंकि उसका मतलब यही है कि आप तीनों धाम घूम के आ जाइए, दर्शन करके बद्री धाम जाइए, रामेश्वर धाम जाइए, द्वारका धाम जाइए। अगर जगन्नाथ धाम नहीं आएंगे तो तीनों धाम का जो दर्शन मिले उसका कुछ फायदा नहीं होगा। आपको आपको जगन्नाथ धाम आना ही पड़ेगा, क्यों, यही परम ब्रह्म जगन्नाथ रूप में बैठे हैं, स्वयं परम ब्रह्म का आपको दर्शन मिलेगा। तो पहला संकेत उधर से ही आता है, जगन्नाथ धाम से आता है, और जगन्नाथ धाम से जो संकेत मिलता है वो सारा पृथ्वी को अफेक्ट करेगा। उड़ीसा के लिए नहीं है, भारत के लिए नहीं है, सारा पृथ्वी के लिए वो संकेत है। तो क्या क्या संकेत मिलता है, अभी हम लोग चलेंगे पहले 2015 का। 2015 में एक संकेत मिला था, एक 6 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ाई, 3 फुट लंबा, 6 फुट और उसका ऊंचाई करीब करीब 3.5-3 फुट होगा। पत्थर का वजन होगा कम से कम 7-8 टन, 7-8 टन, 7-8 टन। ओह माय गॉड, वो पत्थर गिरा मंदिर से नीचे। आप लोग मंदिर देखे होंगे, मंदिर नीचे वाला चौड़ाई ज़्यादा है, ऊपर का चौड़ाई कम है। अगर ऊपर से कुछ चीज़ गिरता है तो कहाँ गिरेगा, वो नीचे वाला मंदिर का अंश में गिरेगा। तो इसका मतलब है कि मंदिर का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार, हाँ है ना। तो ये वाला चौड़ाई जो है ज़्यादा है, ये वाला थोड़ा कम है और ये वाला बिल्कुल कम है। बस बस, तो आपका कहना मतलब है जो ऊपर से जो पत्थर गिरता है तो वो लगभग मंदिर के जो नीचे के हिस्सा की हिस्सा है वहाँ पे गिरेगा ना, डेफिनेटली। और कहाँ गिरेगा, बिल्कुल बिल्कुल, खाली वहाँ नहीं गिरेगा, वहाँ गिर के फिर दूसरा, फिर बाहर आके फिर दूसरा हिस्सा में गिरेगा वो। हाँ, ये बात तो है, 3-4 बार मंदिर को टच करेगा तो वहाँ पे होगा टक्कर, एक होगा बीच में होगा टक्कर, फिर निचले हिस्सा में होगा टक्कर, फिर जाकर बाहर गिरेगा, बाहर जाएगा। जगन्नाथ मंदिर का नीचे का चौड़ाई है करीब करीब 80 फीट ओके,
ऊपर का चौड़ाई होगा 20-30 फीट, मेरे ख्याल से 30 फीट होगा करीब करीब, और बेस का होगा कुछ 50 फीट, बेस का होगा कुछ 50 फीट, हाँ 40-50 फीट। तो मान लीजिए मिडिल से जहाँ चौड़ाई होगा करीब करीब 50 फीट होगा चौड़ाई कि 40 फीट होगा चौड़ाई, वहाँ से एक पत्थर गिरा तो कहाँ गिरेगा कि वो नीचे वाला हिस्सा में गिरेगा मंदिर का, नीचे वाला हिस्सा जो है वहाँ जहाँ गिरेगा इतना 7-8 टन का वजन का पत्थर गिरेगा वो जगह टूट जाएगा, डैमेज कर देगा, टूट जाएगा उस जगह, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पत्थर कहाँ गिरा? आप लोग जो आए थे कभी आए हैं कभी जगन्नाथ मंदिर देखने के लिए, आप देखे होंगे मंदिर का चारों तरफ छोटा छोटा मंदिर है और है, कहाँ नृसिंहनाथ का मंदिर, कहाँ किस देवी का मंदिर, बहुत सारा मंदिर, कुल मिला के 94 मंदिर है, 94 मंदिर है, मतलब बड़े मंदिर को छोड़ के उसके चारों ओर जो है छोटे छोटे मंदिर जो है 94 मंदिर है। कभी उड़ीसा आप आते हैं तो एक बार आप जगन्नाथ धाम दर्शन कीजिए तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ 70-80 फीट है चौड़ाई उसका है मंदिर का, उसके बाद करीब करीब 15 फीट और वहाँ मंदिर है, जाने के लिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, ये सब चीज़ है। पत्थर गिरा कहाँ? उसके बाद और 2-3 फीट छोड़ के नीचे के गिरा। कहाँ पे नीचे गिरा? उसका मतलब ऊपर का हिस्सा अगर 40 फुट है कि 50 फुट से पत्थर गिरा है तो कम से कम मंदिर से 30 फीट बाहर में जाके गिरा, मंदिर के ऊपर गिरा नहीं। हाँ ये बात है। उसका साइड में छोटा छोटा मंदिर है उसके ऊपर गिरा नहीं, उसके बाद 3 फुट छोड़ के नीचे आके पत्थर रहा। और इतना बड़ा पत्थर जहाँ गिरेगा वो जगह खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बहुत बड़ा डैमेज होगा। हाँ, क्या हो जाएगा ना वो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर जो पत्थर का चट्टान बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, उस जगह एक पत्थर भी फटा नहीं, जैसा था ऐसा ही है, जैसे कोई उठा के उसको रख दिया उधर, ये कैसे संभव है? एक पत्थर गिरेगा मंदिर से वो आके 30 फीट 7-8 टन का पत्थर वो आके 40 फीट बाद आके गिरेगा नीचे रहेगा, कुछ नहीं होगा कुछ किसका, मंदिर का कुछ नहीं होगा। और मंदिर से कहाँ से पत्थर गिरा है वो दिखाई नहीं दिया, और कि इधर से पत्थर था गिर गया वो भी दिखाई नहीं दिया। अच्छा, इसमें ये भी हुआ, उसके बाद जो है प्रशासन का एक टीम वहाँ पे वो सर्वेक्षण करने के लिए वहाँ पे ऊपर तक गए थे। हाँ। उनका बिल्कुल इक्विपमेंट, साइंटिफिस्ट, कुछ साइंटिस्ट भी उसमें थे और बिल्कुल इक्विपमेंट के साथ उन्होंने ऊपर तक गए थे। अच्छा। जहाँ से वो गिरा। हाँ। लेकिन सबसे चौंका देने वाला बात यह है कि वहां से उनको कुछ भी नहीं मिला, नहीं मतलब इतना बड़ा पत्थर अगर गिरा तो वहां पे कोई तो जगह खाली होगा। हाँ, कुछ खाली नहीं ना, तो वहां पे कोई जगह खाली नहीं था, नहीं था। वो गिरा बस, तो वो भी हो चुके होकर रहेगा कैसे कहां से गिरा। तो क्या आपका मानना है ये कैसे, मतलब ये प्रभु का महानता है और हम लोग को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। गिराए कौन, रखा कौन आके आपके हिसाब से, पत्थर कौन आके वहां पे रखा या वो बोलता है? मैं अब जाऊंगा उत्तर। अच्छा, इसमें दो चीज आता है, जो लोग निर्माण किया जगन्नाथ मंदिर को वो ऐसा निर्माण किया कि जब मान लीजिए एक पत्थर निकल जाएगा तो दूसरा पत्थर आके उसको बैकअप कर लेगा, वही हुआ है। लेकिन उसमें एक अचंभित बात है, एक मान लीजिए एक चीज़ गिरता है बड़ा वजन का वजनदार चीज़ जैसे पत्थर है गिरता है तो क्या वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आके आके फिर गिरेगा? ऐसा नहीं हुआ, सडनली आया 30-35 फुट बाद में गिर गया। हाउ इट इज पॉसिबल? जैसे कि कोई उठा के ले आया रख दिया इधर लाके, कौन रख सकता है उसको? कौन रख सकता है आप बताइए? ये सुनिए, ये जो ये प्रभु का महिमा है, प्रभु का गारिमा है, वो चाह जो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा भक्त को कोई कष्ट मिले, लेकिन कुछ दर्शना चाहते थे वो। मेरे ख्याल से ये चीज़ कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट हनुमान जी, उधर हनुमान है प्रभु का या अंगरक्षक है उधर हनुमान जी, वो चारों द्वार को रक्षा करते हैं, तो उसी का काम है ये। ओनली ही कैन लिफ्ट ए स्टोन लाइक, ऐसे बड़ा पत्थर ला के नीचे रख सकता है। गिरा नहीं पत्थर, पत्थर लोग देखा है गिरा है, फिर एक्चुअली वो गिरे भी नहीं, गिरेगा तो उस जगह चट्टान खत्म हो जाएगा, चट्टान कोई पत्थर में कोई भी फाट भी नहीं आया साइड पर, कोई भी छोटा सा डैमेज नहीं हुआ था, बात कुछ कुछ नो डैमेज एट ऑल, बात सही है। हाउ इट इज पॉसिबल? ओनली हनुमान जी कैन डू इट। तो इसके माध्यम से मतलब आपका ये मानना है कि अगर भगवान जी ये कुछ संकेत देना चाहते थे, वो संकेत क्या है? मेन है सुनिए,
मेन जी चीज सबको सोचना है, एक पत्थर ऊपर से गिरेगा, इतना वजनदार पत्थर गिरेगा वो 30-35 फुट बाद आके जमीन में कैसे पड़े गिरेगा, वहाँ क्यों नहीं गिरेगा। दैट्स एवरीबॉडी शुड थिंक, सबको सोचना है ये चीज़ क्यों ऐसा हुआ। उसके इसलिए हुआ ये कि मंदिर का हालत क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा मालिका में जो लिखा हुआ है कि 13 मुस्लिम कंट्री इंक्लूडिंग तुर्की एंड पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश रशिया, कोई नहीं बोलता रशिया का नाम लेता है, मैं लेता हूँ रशिया का नाम, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, है? रशिया मुस्लिम कंट्री नहीं है, नहीं है ना, चाइना भी नहीं है, नहीं ये मुस्लिम कंट्री के साथ चाइना एंड रशिया, रशिया का नाम कोई नहीं लेता है, सब बोलते हैं हमारा मित्र देश है हमको सेव करेगा। अच्छा, मैं लेता हूँ रशिया का नाम, वो मिलके अटैक करेंगे इंडिया को। तो आपका ये मानना है कि रशिया जो है हमारा मित्र देश है वो कभी ना कभी मित्र देश नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि रशिया चाइना को छोड़ नहीं सकता, अभी उसका जो हालत है चाइना को छोड़ नहीं सकता, चाइना जहाँ जाएगा जो करेगा रशिया उसको साथ देगा, ये एकदम ठीक बात है ये। अच्छा, तो आप ही बोले थे कि जो 13 मुस्लिम कंट्री है जो साथ में मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, हाँ, और उनके साथ उस देगा चाइना और रशिया, ये लोग उड़ीसा आक्रमण करेंगे। अच्छा, जब चारों तरफ हो गया आक्रमण हो गया दखल कर लिए, ये लोग उड़ीसा आक्रमण करेंगे, मालिका में लिखा हुआ है 6 साल ये लोग का अंदर में रहेगा इंडिया। अच्छा अच्छा, फिर भारत पराधीन होगा 6 साल के लिए, ज़्यादा नहीं 6 साल के लिए होगा, तो उसके अंदर में जो 6 साल में जो कुछ करेगा वो लोग उसको सहना मुश्किल है। तो भारत देश जो है वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं? जाता हूँ मैं आगे में जाता हूँ, तो वो लोग जब उड़ीसा लास्ट को उड़ीसा में आएंगे वो लोग, ठीक है, घूम घूम के लास्ट को उड़ीसा में आएंगे, उड़ीसा में आने से उनको 3 लक्ष्य है उसका। तो उड़ीसा में जब आएंगे मतलब वो आखिरी के टाइम पे आएंगे या बीच में आएंगे या स्टार्टिंग में आएंगे? लास्ट में, आपने जो 6 साल का जो टाइम लेना, 6.5 साल जो 6.5 साल बाद जो वार होगा, हाँ 6.5 जो चालू हो गया ऑलरेडी 24 फरवरी से चालू हो गया, वो 6.5 साल का अंत में। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपने और एक खुलासा कर दिया, मतलब आपका ये मानना है कि जो 6 साल 6 महीने युद्ध होगा ऑलरेडी स्टार्टेड रशिया यूक्रेन जो युद्ध होता है, रशिया यूक्रेन का जो क्या रशिया यूक्रेन के बीच में होता है, ठीक है, नहीं यूक्रेन के साथ पूरा यूरोपीय कंट्रीज है, हाँ सब यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, रशिया एक्चुअली उन लोगों के साथ फाइट करता है। हाँ ये बात तो सही है, पुटिन ऑलरेडी उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ये जा भी चुका है क्योंकि उन्होंने ये बोले कि ये कोई सिंपल वार नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड इज करेक्ट इन दिस पर्सन, जो बोला ठीक है बोला है वो, क्योंकि इंडायरेक्टली और डायरेक्टली वो टोटल यूरोपियन कंट्री नाटो कंट्री के साथ वो फाइट कर रहा है, नाटो और अमेरिका मिलके टोटल फाइट कर रहे हो ना, तो ये तो विश्व युद्ध हो गया ना, और क्या हुआ। अच्छा, तो दैट इज ऑल स्टार्टेड लास्ट टाइम, जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड हुआ था क्या हुआ था, किसके बीच में होता, वो इन लोगों के बीच में होता, एकदम से तो नहीं हुआ था, धीरे धीरे फिर, हाँ नहीं वो तो बात दूसरा है, लाइक वार किसके बीच में हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हुआ था, यूरोपियन लास्ट में अमेरिका आया, शुरुआत जो हुआ था, हाँ तो सेम थिंग हैज हैपनिंग हियर, बिल्कुल यूक्रेन वार जो हो रहा है वो थर्ड वर्ल्ड का शुरुआत ही है। अच्छा ठीक, मैं मानता हूँ। अच्छा ठीक, आप ये बोले कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा तो इसका शुरुआत तो हो चुका है फरवरी 24 से, 6 साल 6 महीने चलेंगे और उड़ीसा में होगा कितने, 13 महीना आखिरी के लास्ट 13 महीने। अच्छा, तो उड़ीसा में जो युद्ध होगा तो वो आखिरी के 13 महीने होगा, 13 मंथ्स। तो उसमें आपने जो बोले कि जगन्नाथ मंदिर से जो बड़ा पत्थर गिरा उसके साथ लिंक क्या, बहुत रिलेशन है, वही तो मैं आता हूँ, वही जगह पे आता हूँ। अच्छा, वो लोग उड़ीसा को आए क्यों, उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा ना मुस्लिम से क्या कुछ है, कुछ नहीं उड़ीसा में, क्यों आए, क्यों आएंगे वो लोग। अच्छा, उनका कोई खास मकसद भी है? हाँ सुनिए, उड़ीसा को आएंगे वो तीन चीज के लिए, उनके लक्ष्य 3 लक्ष्य रहेगा। अच्छा, 3 मकसद, हाँ ठीक है। एक ये लक्ष्य है जगन्नाथ मंदिर को खत्म करना है, ठीक है। दूसरा लक्ष्य है जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी को उठा के ले लेना है,
रखना नहीं उतर रहा, तीन मूर्तियां जो हैं, तीन प्रतिमा जो हैं, हाँ, उसको उठा के ले लेना है, ठीक है। तीसरा है जो लक्ष्य है वो कल्कि अवतार को ढूंढना है, कल्कि अवतार को ढूंढना है, क्योंकि उड़ीसा में कल्कि अवतार आएंगे, उड़ीसा में कल्किला होगा, उड़ीसा में थर्ड वर्ल्ड वॉर का लास्ट युद्ध होगा ऑलमोस्ट, उसके बाद ओनली एक ही युद्ध बाकी रहेगा, बोला था काशी के पास युद्ध एक होगा, बाकी ये तो ऑलमोस्ट सेम मैंने लास्ट वार बोलने से होगा उड़ीसा में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों श्री पुलिन बिहारी पांडा जो कि मालिका रिसर्चर हैं, 30 साल के रिसर्च ही उनका ये कहता है कि लास्ट जो 6 साल 6 महीने युद्ध होगा आखिरी के 13 महीने के टारगेट में रहेगा उड़ीसा, और उड़ीसा टारगेट में इसलिए रहेगा कि वो लोग ढूंढने के लिए आएंगे तीन चीज़ों के लिए, एक तो पूरी जगन्नाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो प्रतिमा है महाप्रभु की जो तीन प्रतिमा है उसको वो चोरी करके ले जाएंगे, और तीसरा है कल्कि अवतार उड़ीसा में है ये जानकारी उनके पास है, तो इसलिए वो ढूंढते ढूंढते उड़ीसा को आएंगे और लास्ट में होगा उड़ीसा उनका टारगेट में। जी बताइए। यस, तो पहला उनको टारगेट होगा पूरी, फर्स्ट टारगेट पूरी जगन्नाथ टेम्पल। पूरी तो मतलब कोई बॉर्डर एरिया में तो उड़ीसा का नहीं है मतलब। तो आएंगे तो उसके लिए ना, जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ जी के लिए, हाँ। वो तो आके खाली कल्कि अवतार ढूंढेंगे नहीं। अच्छा, तो मेजर पोस्टन काम होगा तो वही पूरी में, तो पूरी में जब आएंगे मालिका में जो लिखा हुआ है नॉस्ट्रोडामस भी जो लिखे हैं वो, तो उसका पहला काम होगा मंदिर को ख़त्म करना। मंदिर को ख़त्म एटलीस्ट वो क्यों करना चाहेंगे? मंदिर रहेगा तो जगन्नाथ रहेंगे। अच्छा, मतलब जो ना मंदिर होगा ना जगन्नाथ होगा, तो समग्र हिंदुओं का काम खत्म हो जाएगा। हिंदुओं के जो आस्था के प्रतीक हैं, हिंदुओं का आस्था प्रतीक जगन्नाथ है ना, उसको खत्म कर देने से काम खत्म। अच्छा, उनको खत्म कर दो तो आएंगे। इंडिया को अटैक क्यों करेंगे? इंडिया को मुस्लिम कंट्री करने के लिए अटैक करेंगे, तेरा मुस्लिम कंट्री, हिंदुओं को मुस्लिम बनाना है, इंडिया को मुस्लिम कंट्री करने का है, दैट इज देयर मेन एम। इंडिया को अटैक करने के लिए चाइना का एम है थोड़ा जगह ले लेना। अच्छा, आप सीमा बढ़ाओ। हाँ, सीमा बढ़ाओ। रशिया का एम है कुछ हड़प करो। अच्छा, पैसा सोना मोना जो जो है गोल्ड फोल्ड इसको लेके भागो, जो भी मूल्यवान वस्तुएं हैं। हाँ, उनको बहुत चीज है ना। अच्छा। माइंड से बहुत है ना। दैट इज एम ऑफ रशिया, दे विल नॉट बी सक्सेसफुल, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन ये जो पूरी मंदिर अटैक होगा तो ये लोग पूरी मंदिर को ख़त्म करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, बाय बॉम्बिंग हो एरोप्लेन से या आर्टिलरी फायर से हो, तोप से हो, वो मंदिर को चाहे ख़त्म करें लेकिन कर नहीं पाएंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो ये होगा, उनका प्लान तो ये होगा है? लेकिन वो उनका प्लानिंग तो ये होगा हाँ। लेकिन वो उनका प्लानिंग से कामयाब नहीं हो पाएंगे, नहीं मंदिर को जो पूरा तरफ से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो काम नहीं देगा, तो कमान जब जाएगा गिरेगा उसके ऊपर, वो इतना काम नहीं देगा, थोड़ा बहुत जख्मी होगा मंदिर, नो डाउट इन इट, लेकिन पूरा मंदिर ख़त्म हो जाएगा वो नहीं होगा। तो रशिया लेके भागेगा जगन्नाथ जी को, उसके बाद जो होगा हम बाद में देखेंगे, वो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये जो जब तोप और कमान गिरेगा मंदिर के ऊपर, थोड़ा पत्थर भी गिरेगा, मंदिर ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, कहीं और पूजा नहीं हो सकेगा उधर, वही दिखाने के लिए ये पत्थर गिरा है। अच्छा, इसका प्रतीक मतलब ये सांकेतिक अर्थ से वो कहना चाहते हैं कि ये पत्थर गिरा मंदिर मतलब का आंदर समय खत्म हो रहा है। अच्छा। अवतार कल्कि अवतार, कल्कि अवतार किए, कल्कि अवतारंक नाम कौन, प्रभु केउठी जन्म नेबे, प्रभु को चिन्हिबा पाई कौन सब संकेत देखा मिलिब, मीन शनि योग केबे हेबो, सात दिन सात राति अंधार केबे हेबो, बाईसी पहाचरे मीन केबे खेलिब, केबे सरिब एई कलिजुग, ए समस्त विषय जानवाक चाहते कि आपणकर विश्वास चैनल सत्यभंज प्रकाशित एवं श्री पुलिन बिहारी पंडा लिखित कल्कि लीला पुस्तक आज ही बुक करूँ 876314898 व्हाट्सअप नंबर में।